गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गे अपने चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे पढ़ाई हुए टॉपिक्स, मेरी क्लासेस समझ में आ रही है और पसंद आ रही है। आप इन्हें शेयर और लाइक करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या है वो देखो, टॉपिक तो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट मेरे वीडियो में भी बताया था, कुछ ना कुछ बिजनेस से रिलेटेड अमेजिंग फैक्ट्स की बात करेंगे। मैंने एक फैक्ट आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था, आज एक और फैक्ट शेयर करती हूँ आपके साथ। पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 रिचेस्ट पीपल के पास में जितना पैसा है, अगर उसकी कैलकुलेशन की जाए तो ये सर्वे किया गया है कि पूरे दुनिया की जो गरीबी है वो 4 times खत्म हो सकती है। इतना पैसा केवल फर्स्ट 100 richest पर्सन के पास है पूरी दुनिया में। यानी पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा 100 अमीर लोगों के पास जितना पैसा है, वेल्थ है, अगर उसको टोटल किया जाए तो वो इतनी वेल्थ है कि हमारे पूरे दुनिया की गरीबी को हम 4 times, एक बार नहीं, 2 times नहीं, 3 times नहीं, बल्कि 4 times खत्म कर सकते हैं। सोचो कितना इम्बैलेंसिंग है। इम्बैलेंसिंग ऑफ वेल्थ कहते हैं इसको, है ना मजेदार? पता होना चाहिए था ना, बस तो मैंने बता दिया। कुछ ना कुछ नया आपको हमेशा मेरी क्लास में मिलेगा, राइट? नाउ अब अपनी बात करते हैं क्लास की, अपने टॉपिक की। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, उसके कई चीजों के बारे में पढ़ लिया है। आज जरा आपको समझाती हूँ एनवायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको समझा दिया। पहले आपको बिजनेस समझाया था, बहुत सारी बातें आपको बिजनेस के बारे में बताई थी, फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझाया था। आज आपको समझाती हूँ ये वातावरण क्या होता है। जब भी किसी एनवायरमेंट की बात करो, हमेशा ध्यान रखो एनवायरमेंट 2 types का होता है। इट इज क्लासिफाइड इन टू 2 major कैटेगरीज। एंड विच वन? एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट यानी आंतरिक वातावरण और दूसरा है बाहरी वातावरण। हर वो एनवायरनमेंट का फैक्टर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा और उससे रिलेटेड हर वो फैक्टर जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के वातावरण को बदल देने की या चेंज कर देने की क्षमता रखता होगा, वो सारा आंतरिक वातावरण कहलाएगा। आपको पता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स कहे गए हैं? सोचो, थिंक अबाउट इट, क्या क्या ऐसी चीजें होती होंगी जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं? अब आप इसमें मशीन और टूल्स मत काउंट कर लेना, ना ये नहीं होते, समझो। उसके एम्प्लॉइज, टेक्नोलॉजी, उनके मैनेजर्स, उनकी पॉलिसीज, उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी, उनके सब सिस्टम्स, ये सारी चीजें, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट के एलिमेंट माने गए हैं। आप सोचो अगर स्किल्ड लेबर है तो आपका एनवायरनमेंट क्या चेंज होगा? स्किल्ड लेबर होगा तो ट्रेनिंग पे खर्चा नहीं देना पड़ेगा भाई। अगर आपका लेबर सेटिस्फाइड है तो आपको उनको बार बार नया हायरिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप उनके परफेक्शन का फायदा उठा सकते हो, गुडविल मेंटेन कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी एनहेंस होती है अगर आपका एम्प्लॉई जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से स्टिक रहता है तो। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। एक एक बात में गहराई है, एक एक बात में गहराई है। इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत मेजर रोल होता है। किसी भी संस्था की बाजार में मजबूती कितनी रहेगी, इट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। और उस इंटरनल एनवायरनमेंट में उनकी अप्रोच, उनका दृष्टिकोण, उनके मैनेजमेंट करने का तरीका, उनका लोगों के प्रति नजरिया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो लोग, वो लोग अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा अच्छे से संभाल के रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसानी दृष्टिकोण से सोचते हैं, वो सर्वेंट और मास्टर वाले अप्रोच को नहीं फॉलो करते, वो ह्यूमन बीइंग वाला अप्रोच फॉलो करते हैं। चाहे वो हमारे यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है तो वो इंसान ही, उसका भी परिवार है, उसका भी समाज है, उसका भी शरीर है, दुखता होगा, तकलीफ होती होगी, कोई कारण होते होंगे, कोई इमरजेंसी भी होती होगी। अगर एक मैनेजर के घर में इमरजेंसी हो सकती है तो क्या एक पियोन के घर में इमरजेंसी नहीं हो सकती?
अगर एक मैनेजर अपना काम छोड़ करके अपने परिवार के सदस्यों की देख रेख करने के लिए भाग सकता है, तो क्या एक पियोन को कभी ऐसी जरूरतें नहीं पड़ सकती? ऐसी सोच होती है तो ऐसे वहाँ की संस्थाओं का वातावरण अलग टाइप का होगा, अगर वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट अप्रोच को मानने वाले मैनेजमेंट के लोग होते हैं तो। अगर कर्मचारी स्किल्ड है तो, अगर तकनीक आपने आधुनिकतम यूज़ की है तो, अगर आपकी स्ट्रेटेजी बहुत साउंड है तो, इन सब सारी बातों का मतलब ये है कि अगर ये सब बातें मजबूत होती हैं, अच्छी होती हैं, तो आंतरिक वातावरण बहुत बेहतरीन माना जाता है, और अगर ये कमज़ोर होती हैं तो आंतरिक वातावरण में कमजोरी आएगी, कमी पाई जाएगी। दूसरा वातावरण होता है आपका बाहरी वातावरण। किसी भी संस्था के बाहर की बातें, वो सब बाहरी वातावरण है। वो सारे एलिमेंट्स जो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रेलेवेंट रखते हैं, वो सब उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स या एलिमेंट्स माने गए हैं। अब ऐसे में कौन कौन हो सकता है? जब अगर आप एम्प्लॉई को इंटरनल एनवायरनमेंट का एलिमेंट मानते हो, तो अपने कस्टमर को, अपने कॉम्पिटिटर को, गवर्नमेंट को, आपकी बाजार की परिस्थितियों को, आपके देश की राजनीति को, आपके कानून को, सरकारी नीतियों को, सरकारी नियमों को, इन सबको आपको बाहरी वातावरण मानना होगा। और ये वो वातावरण के वो तत्व हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, चाहो चाहे ना चाहो। आप एक मिनट के लिए सोचो, डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था या अभी कोविड-19 का जो सिचुएशन है, वी हैव टू फॉलो ऑल द नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर गिवन बाय द गवर्नमेंट। क्या हम अपनी जा सकते हैं? लॉकडाउन हुआ था, हमें अंदर घर में रहना पड़ा, हम कुछ नहीं कर सके, चाहे कितना भी रो के घर में रहे, चाहे हंस के घर में रहे, चाहे पैसा कैसे आएगा इस बात का रोते रहे, लेकिन नहीं साहब, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में देश में, पूरी देश में लॉकडाउन कर दिया गया था और जो सर्विसेज को फ्री किया गया था, केवल वही सर्विसेज मूव हो रही थी, वही लोग मूव हो रहे थे, दे हैव अ स्पेसिफिक पास टू मूव, राइट। तो ये जो बात है, आपको अपने आप में बदलाव करना पड़ा ना। अभी प्रेजेंटली मैं आपको बता रही हूँ, दिवाली फेस्टिविटी का टाइम आ चुका है, पटाखों के ऊपर पूरा बैन कर दिया गया है, पटाखे बेच नहीं सकते आप, जला नहीं सकते, सीधा उस पर पेनल्टी चार्ज कर दी गई है। इफ़ यू आर फाउंड हैविंग क्रैकर्स इन योर शॉप, इट इज 10,000 पेनल्टी। सोचो एक मिनट के लिए, तो हर आदमी क्या कर रहा है, उसे नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। ये है बाहरी वातावरण। If you are doing business, you have to follow all the external elements which are the features of the external environment. अब इसमें मैंने आपको बता दिया, चाहे वो सरकार कह लो, चाहे वो हमारे ग्राहक कह लो, चाहे वो हमारे प्रतिद्वंदी कह लो, चाहे उसकी नीतियां कह लो सरकार की, चाहे राजनीति कह लो, चाहे सोशल समाज, जिस समाज में हम रह रहे हैं वो कह लो, आर्थिक वातावरण कह लो, तकनीकी वातावरण कह लो, सारी चीज। आज आप एक सिंपल देखो, आज 6 महीने से जो तकनीक का हम बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं, तकनीक तब भी थी पर हम प्रयोग नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे पास जरूरत नहीं थी। हम इंटरनेट का, हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, हमारे अम्यूजमेंट के लिए हम यूज कर रहे थे, लेकिन आज हमारी जरूरत बन गई है। कहते हैं जो कोई चीज कभी लग्जीरियस हुआ करती थी, कभी कभी वो चीजें नेसेसिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं, और यही बिल्कुल हुआ है। आज अगर हमारे पास में मोबाइल है तो नेटवर्क कनेक्शन मस्ट बी देयर। इफ यू लॉस द डेटा पैकेज और नेटवर्क कनेक्शन, यू जस्ट थिंक कि मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं है, मेरा मोबाइल बेचारा मर गया है। आप समझ रहे मेरी बात को? और विदाउट हैविंग द मोबाइल आप मर गए, ये फील आता है। फैक्ट बोल रही ना, बिल्कुल। तो ये जो चीज है ना, ये है बाहरी वातावरण। तो एक बिजनेस को अपने वाणिज्य में, अपने समाज में या संस्था में बनाए रखने के लिए, उसको आंतरिक वातावरण के साथ साथ बाहरी वातावरण का भी अंदाजा लगाना होता है और उसके साथ तालमेल बिठाना होता है। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू एनवायरमेंट एलिमेंट्स, वेदर इट इज इंटरनल और इट इज एक्सटर्नल। क्लियर? ये दो वातावरण के बारे में अभी तो बात बताई है। अब बिजनेस में वातावरण का किस तरीके से क्या क्या काम होता है वो जरा बात करते हैं। देखो, एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है, ये जो एक पूरा रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है, इसको आप ये मानो कि ये हमारा समाज है, ये हम लोग हैं, ये हमारा कम्युनिटी है, जिसको हम ये कह सकते हैं ये हमारा वाणिज्य है, कॉमर्स है। ठीक है, उसी के अंदर होगा ना बिजनेस। पता है हमको, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। क्यों? क्योंकि पार्ट क्यों कहा है? कॉमर्स में बिजनेस के अलावा और क्या होता है बताओ मुझे? कॉमर्स में बिजनेस के अलावा भी कुछ होता है, वो क्या होता है सोचो?
ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज का मतलब होता है सहायक सेवाएं, बीमा, बैंकिंग, संचार, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन वगैरह 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 वगैरह. अगर ये सब नहीं होती तो एक बिजनेस रन नहीं कर सकता. आप बिजनेस में चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, लेकिन विदाउट हैविंग द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन, द प्रोडक्ट और सर्विसेज कुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट टू द यूजर्स और नीडी पर्सन्स. तो इट इज वेरी एसेंशियल. तो ऑक्सिलरीज भी होती हैं. तो कॉमर्स का एक हिस्सा होता है बिजनेस. अब यहाँ हम बात करते हैं, ये पूरा एक कॉमर्स है और ये एक बिजनेस का एनवायरनमेंट है. अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरनल है ना, ये चीजें, ये तो है बिजनेस. और ये जो बाहर आपको मैंने रेड से शो किया है, यहाँ पे देखिए, ये सोशल एनवायरनमेंट है, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ये कल्चरल एनवायरनमेंट है. किसी भी देश की संस्कृति हो, किसी भी देश का समाज हो, किसी भी देश का आर्थिक वातावरण हो, चाहे किसी भी देश का राजनीतिक वातावरण हो, ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस के कहना चाहिए सफलता पर या उसकी प्रगति पर डायरेक्ट असर डालते हैं. बाहरी वातावरण को अगर आप समझने की दृष्टि से मानोगे तो पेस्टल फॉर्म से समझ सकते हो. पेस्टल, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रही हूं यहाँ पे PESTEL, पेस्टल. बाहरी वातावरण के लिए ये 6 एलिमेंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए. पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, what I am revising, P stands for political, E for economical, S stands for social, T is for technological, E for ethical and L stands for legislature or legal. चाहे राजनैतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे तकनीकी हो, चाहे नैतिक हो और चाहे वैधानिक हो, ये सारे वो तत्व हैं जो किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मेजर रोल प्ले करते हैं. तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि बाहर के हैं. अब एक संस्था के अंदर की अगर बात करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ कुछ लिखा हुआ है इनपुट. हम हमारे समाज से ही तो उठाएंगे, चाहे वो मैन उठाऊं, मनी उठाऊं, मटेरियल उठाऊं, या मेथड उठाऊं, या मशीन उठाऊं, वट एवर इट इज, आई विल टेक फ्रॉम द सोसाइटी एंड आई विल गिव टू द सोसाइटी. ये जो बात समझ में आ रही है ना, हम समाज से ही तो लेते हैं और समाज को ही तो देते हैं. तो ये जो गिव एंड टेक का प्रोसेस है ना, ये कंटिन्यूअस वे में चलता है. समाज को देने और लेने का कार्यक्रम एक बिजनेसमैन पूरी जिंदगी करता है. एंड बिजनेसमैन ही क्यों, हम खुद, हम सोशल बीइंग भी, हम समाज से ले रहे हैं और हम समाज को ही दे रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर हमारा सोशल राइट है तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. राइट में हम लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम देते हैं. ठीक है, तो अब ये इनपुट है. अब इनपुट में क्या किया, हमने रिसोर्सेज लिए. अब रिसोर्सेज में क्या हो सकता है, मैन है, अगर जमीन है, हवा यूज कर रहे हो, पानी यूज कर रहे हो, मेथड यूज कर रहे हो, ये सारे रिसोर्सेज ही हैं. गोल्स, हमारे लक्ष्य, हम अपने बिजनेस के लक्ष्य तय करते हैं. ये भी हमारे देश में, समाज में जो हो रहा होता है उसी से हम तय करते हैं हमारा लक्ष्य क्या होगा. आज हमारे इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, चाइल्ड एम्फोसिस को जोर दिया जा रहा है, गर्ल चाइल्ड को बचाए रखने और पढ़ाने के लिए और बढ़ाने के लिए कितना जोर दिया जा रहा है. ये हमारे गोल्स क्यों सेट हो रहे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है. एक्सपेक्टेशन, आशाएं, हम आशाएं भी इस समाज से ही लेते हैं. और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जिम्मेदारियां भी इसी समाज से लेते हैं, हम देते भी हैं और लेते भी हैं. तो ये हो गया सारा हमारा इनपुट. जब हमारा इनपुट हुआ, इस रिसोर्सेज में सारी चीज़ आ गई, चाहे कच्चा माल होगा, चाहे वो मशीन होगा, चाहे वो हमारा इंसान होगा, चाहे वो हमारा मैनेजर होगा, वो सब चीज़ें इसमें आ गई. रिसोर्सेज कह दिया, बहुत कुछ इसमें शामिल हो गया. ये सब हमने लिया, फिर हमने क्या किया, हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया. यहाँ दीजिए, यह हमने क्या किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, उनका रूप परिवर्तन किया. मैंने आपको बताया था, जब भी हम रूप परिवर्तन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम यूटिलिटी क्रिएट कर देते हैं उसमें, उस चीज में हम उपयोगिता क्रिएट कर देते हैं. आज एक सिंपल एक बात है कि अगर एक लकड़ी का टिम्बर है, शीट है, लकड़ी की एक शीट है, क्या मैं उसको अलमीरा कह सकती हूँ, कैबिनेट कह सकती हूँ, नहीं. पर अगर एक कारीगर अपने स्किल्स को यूज करके और कुछ औजारों की मदद से अगर उसे एक कैबिनेट का रूप दे देगा तो वो कैबिनेट बन गई है. अब भी लकड़ी ही उसमें, लेकिन अब उसका रूप परिवर्तित हो गया, उसकी यूटिलिटी चेंज हो गई है. ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन में. व्हेनेवर यू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर द थिंग, द यूटिलिटी इज इंक्रीज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्किल्स, जस्ट बिकॉज ऑफ योर यूजिंग योर टेक्नोलॉजी और मशीन्स और वट एवर इट इज. तो उससे हम रूप, उसकी उपयोगिता बता देते हैं. और उपयोगिता आपको मैंने पहले भी बताया था, 5 टाइप्स की होती है.
उपयोगिता यूटिलिटी 5 टाइप्स की होती है. सबसे पहले अगर बात करेंगे तो फॉर्म यूटिलिटी, रूप बदलता है. टाइम यूटिलिटी, समय बदलता है. प्लेस यूटिलिटी, स्थान बदलता है. अगर कहोगे राइट्स यूटिलिटी, जिसको पोजेशन यूटिलिटी भी कहते हैं, अधिकार, उपयोगिता बदलती है, राइट. और एक और हो जाता है आपका नॉलेज यूटिलिटी, ज्ञान भी बढ़ता है. जैसे अभी इस समय मैं आपको जो बता रही हूँ, ये आपके मैं चीज़ों का जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपकी नॉलेज को जो बढ़ा रही हूँ, दैट इज नॉलेज यूटिलिटी. मैं आप किताबों में, आपके पास में भी लिखा हुआ है, किताबों में हमारे पास में भी लिखा हुआ है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी एक्सप्रेसिव वे, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी. और कई टीचर्स का पढ़ाया हमें समझ में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वो शायद नॉलेज ट्रांसफर प्रॉपरली नहीं हो पा रहा होता है. तो ये हो गई नॉलेज यूटिलिटी. जब भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, यूटिलिटी इंक्रीज होती है. और यूटिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या क्या काम करते हैं, देखो. उस यूटिलिटी इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, फाइनेंस करते हैं, पर्सनल यानी अपने लोगों को यूज़ करना, जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो. और इसके लिए हम सिस्टम और सब सिस्टम्स का फ्रेमिंग करते हैं, तब कहीं जा करके हम उसकी यूटिलिटी इंक्रीज़ कर पाते हैं. अगर सोचो आपने एक प्रोडक्शन तो कर लिया, वो गोदाम का गोदाम में पड़ा है, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो आप उस प्रोडक्शन को उस एंड यूज़र तक कैसे सप्लाई करते, होलसेलर और रिटेलर की मदद से, उस डिस्ट्रीब्यूशन चेन की मदद से, उन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स की मदद से ही तो आपने ये चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया भाई. तो हो गया ना, प्लेस यूटिलिटी चेंज कर दी आपने, फॉर्म यूटिलिटी बदल दी, नॉलेज यूटिलिटी बदल दी. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के काम आती है. ये है इनका प्रोसेसिंग, इनपुट का प्रोसेसिंग होता है. जब प्रोसेसिंग हो जाता है तो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है. आउटपुट लिखा हुआ है, आउटपुट में कन्वर्ट होता है तो गुड्स बन जाती हैं, सर्विसेज होती हैं, गोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस वगैरह जो होती हैं वो हमें प्राप्त हो जाती हैं. ये सारी चीज़ें हमारे आउटपुट हैं. जब हमने जो चीज़ें इनपुट फॉर्म में डाली, उनको प्रोसेस्ड किया यानी ट्रांसफॉर्म किया, तब हमने आउटपुट पाया. ये आउटपुट हमने निकाल दिया हमारी सोसाइटी में, बाह्य वातावरण में. हमने लिया था बाह्य वातावरण से, हमने दिया बाह्य वातावरण को, तो हमने क्या किया, हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया, हमने उसमें यूटिलिटी जनरेट की, हमने उसमें वैल्यू एडिशन किया. दैट्स वाई वी आर काउंटेड. समझिए मेरी बात को. तो जिसने जितना ज्यादा अच्छी क्वालिटी में और मिनिमम कॉस्ट पे दिया होगा, उतना ही उसका नाम बन जाएगा. तो ये हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब यहाँ देखेंगे आप इनपुट के साथ और आउटपुट के साथ में एक शब्द देख रहे हैं, फीडबैक. ये फीडबैक लेना जरूरी है. मैंने लिया क्या और मैंने समाज को दिया क्या? क्या मैंने अच्छा लिया था तो मैंने अच्छा दिया, क्या मैंने अच्छा नहीं लिया था तो भी अच्छा दिया? ये चीज़ों का फीडबैक होता है कि मेरा कस्टमर मुझसे क्या उम्मीदें करता है और क्या मैं उसकी उम्मीदों को संतुष्ट करता हूँ. वेदर आई एम सेटिस्फाइंग द माई कस्टमर और नॉट. अगर मैं करता हूँ तो कस्टमर के लिए मैं पूजा जाऊँगा, और अगर मैं नहीं करता हूँ, मेरा अगर कॉम्पिटिटर ऐसा करता होगा तो कस्टमर वहाँ शिफ्ट हो जाएगा. सीधी सी बात है, ये तो सिंपल सा इक्वेशन है. तो ये जो फीडबैक लेना होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसीलिए रिसर्च कराई जाती है मार्केट की, कि हम अपने कस्टमर का ये पता लगाएं वो हमसे क्या चाहते हैं, और फिर हम जो उनको दे रहे हैं उससे उन्हें क्या मिल रहा है, क्या उतना मिल रहा है जितना उन्होंने हमसे उम्मीद की थी. ये जो एक्सपेक्टेशन रखी है ना, ये दोनों जगह एक्सपेक्टेशन, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हम उनकी एक्सपेक्टेशन को कैसे फिल करते हैं, ये है सारा मामला इनपुट और आउटपुट में आ रहा है. ये सब चीज़ें जब होती हैं तो हमने इनपुट लिया समाज से और आउटपुट दिया समाज को. यहाँ एक चीज़ और आप देखेंगे, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से, कम्युनिकेशंस की सहायता से हम अपॉर्चुनिटीज़ को खोजते हैं, उन अवसरों को खोजते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, और तब कहीं जा करके हम अपनी चीज़ों को फ्रेम करते हैं, अपनी सेवाओं को फ्रेम करते हैं. आज मैं आपको वीडियोज़ के ज़रिए पढ़ा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये पूरा मौका है कि जब बच्चा कॉलेज में और क्लास में नहीं आ पा रहा है तो क्यों ना हम अपने इंटरनेट की मदद से अपनी नॉलेज को आप तक पहुँचाएँ. ये है अवसरों की तलाश करना, मौक़ों की तलाश करना, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प करना. ये हम कैसे कर पाए? क्योंकि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो और फिर अपने इंटरनल सोर्सेज को स्टडी करते हो, उसके साथ में बैलेंसिंग करते हो, तालमेल बिठाते हो, देन यू कैन एक्सप्लोर द थिंग्स, देन यू कैन एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी, देन यू कैन रिटेन योर नेम इन द मार्केट, राइट. तो इस तरीके से ये होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट. होपफुली आपको ये मेरी क्लास समझ में आई होगी. इस डायग्राम के जरिए पूरी चीज हमने समझ ली है. और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. एंड थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली. अभी तक का वीडियोज चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो पहला काम कीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए. थैंक यू.
थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज. थैंक यू.